मॉर्निंग एवरीवन, आज बकरा ईद का दिन है और अभी हो रहे हैं 6:15। अभी मेरी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की और शोल्डर का MRI कराना है। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम था और ईद की ही अपॉइंटमेंट मिली है तो मैंने इसको सोचा कि इसको अवेल किया जाए। उसके बाद आज का दिन कैसा रहेगा, जुम्मा पढ़ना है, ईद नमाज़ पढ़नी है और बीच में अपना जिम भी जाना है। जिम का सामान भी मैं साथ ही लेके आया हूँ, दो मील्स भी मेरे साथ हैं। और आज का चैलेंज ये होगा कि जहाँ हम जा रहे हैं, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके घर, वहाँ पे काफ़ी सारी फूड की वैरायटी होगी और वहाँ पे थोड़ा आज कंट्रोल करना है। ईद नमाज के लिए जो लाइन लगी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ये तो सीन हो गया है। सीन ये कि मुझे आइडिया नहीं था, ये तो बोल रहे हैं भाई सब कपड़े उतारो और जस्ट बॉक्सर, और शुक्र है कि बॉक्सर रहने दिए। चलो देखते हैं क्या बनता है। सो गाइस, अभी जिम हो गया आज का। आज ईद है और अभी ईद सेलिब्रेट करेंगे, बट जिम मिस नहीं करना। और होपफुली मैं अपनी डाइट आज शायद साथ लेके जाऊंगा। बहरहाल मुझे अपनी डाइट मेंटेन रखनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ ईद और कुछ भी। जनाब गोश्त आ चुका है मैदान में और यहाँ पे ग्रिल तैयार हो रही है। असल में ये ऐसे बनेगी इस शक्ल की, अभी इस पोजीशन में है, देखते हैं क्या बनता है। सो ये हमारी ग्रिल का अभी हाल है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारे पार्ट्स बिखरे हैं, इसके बाद ग्रिल होगी और ग्रिल मास्टर हूँ मैं। ये जनाब बेहतरीन ग्रिल रेडी है, ये हमारे मजदूर, स्पेशल मजदूर बुलवाए हैं हमने। ये भाई जो है लाहौर में शालमी में लगाते थे कबाब, और मैं तारिक रोड पे। ठीक है, ये हमारे सेठ साहब हैं, इनको बुलवाते हैं नाश्ते पे। सेठ साहब देखे बंदे से कबाब नहीं लग रहा आपकी घबराहट से। पर ये हमारे बड़े सेठ हैं, सेठ खालिद। इंजीनियर नहीं, इनका तख्ती पे वाकई मैं सेठ खालिद लिख जाऊंगा, ये जो मर्जी लिखवा लें। अच्छा।